तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को किन निर्दलीय विधायकों का साथ मिला। तो ये निर्दलीय विधायक है तो राकेश दौलताबाद सीट से, बादशाहपुर से उनको उनकी तरफ समर्थन दिया गया है। दादरी सीट से जीते हैं सोमवीर सांगवान, जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। ये वो निर्दलीय उम्मीदवार है और जिनकी तरफ से समर्थन यहाँ पर दिया गया है। महम सीट से जीते हैं बलराज कुंडू, जिन्होंने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। तो ये निर्दलीय विधायक जो जीत हासिल कर अब बीजेपी में, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। नीलोखेड़ी सीट से अगर बात करें तो धर्मपाल गोंदर ने जीत हासिल की और अब उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये सात निर्दलीय विधायक हैं जिनकी तरफ से समर्थन दिया गया है। तो नयनपाल रावत जो कि प्रतला सीट से जीते हैं, इन्होंने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। तो हरियाणा में बीजेपी को निर्दलीय का साथ की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे। रणधीर सिंह जो कि पुंडरी सीट से जीतकर सामने आए हैं और अपनी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं उन्होंने अब बीजेपी को नाम कर दिया है। रणजीत सिंह रानिया सीट से और एक जाना माना चेहरा यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं और रानिया सीट से उन्होंने जीत हासिल की है और पहले ही उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया था। बादशाहपुर सीट की बात करें तो राकेश दौलताबाद जो हैं वो यहां से जीत हासिल किए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और अब निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। सोमवीर सांगवान ने दादरी सीट से जीत हासिल कर अब बीजेपी का समर्थन इन्होंने भी किया है। बलराज कुंडू महम सीट से जीत हासिल कर उन्होंने की है और अब इसके बाद उन्होंने जिस तरह से जोड़ तोड़ की स्थिति बनी हुई थी वो अब साफ होती दिख रही है, उन्होंने समर्थन बीजेपी को दे दिया है। धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी सीट से जीत हासिल कर अब बीजेपी के समर्थन में। तो ये वो निर्दलीय विधायक है जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि किन किन निर्दलीय विधायकों की तरफ से अपना समर्थन बीजेपी को दिया गया है।